मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, मुंबई के इंचार्ज बलाला साहब का, हमारे महाराष्ट्र इंचार्ज इम्तियाज भाई का, तमाम का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे पार्टी की तरफ से फिर भिवंडी वेस्ट, भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इस वक्त भिवंडी की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और हमको चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में भेजेगी। हमको यकीन है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमको यकीन है पब्लिक की मोहब्बत हमारे साथ है, मजलिस का काम बोलता है, अच्छा हो जाएगा। अभी आए ने फॉर्म भर दिया, क्या कहेंगे इनके सामने कि संविधान सबको इजाजत देता है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़ सकता है। पार्टी फैसला करती है, मेरा क्या, पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले पे हम लोग लबैक करके कर देते हैं। पार्टी को भिवंडी शहर में और कोई नेता ऐसा नहीं मिला था जिसे वो एमएलए के टिकट दे पाती? नहीं, पार्टी ऐसा आप क्यों बोल सकते हो, पार्टी भिवंडी में प्रेजेंस है पार्टी का। हम पिछली मरतबा भी लड़े, पार्टी को 45,000 के करीब वोट मिला है, तो पार्टी के वोट है, ये जमात के वोट है। पार्टी को लगा कि वारिस पठान को इस बार यहाँ से लड़ना चाहिए, मुझे यहाँ भेज दिया। पार्टी बोलती कि तुम कहीं और चले जाओ, वहाँ चले जाते, कहीं और चले जाओ, वहाँ चले जाते। फैसला तो पार्टी करती है, मेरे हाथ में तो नहीं है। पूर्व में महागठबंधन के सामने एमएम ने अपनी उम्मीदवारी नहीं जाहिर की, लेकिन पश्चिम में की, इसमें किसकी खास वजह? ये पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी का फैसला करती है। वारिस भाई, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में एमएम ने युति के लिए जो प्लान रखा था, क्या कुछ वो जानकारी है, जिस तरीके सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है? नहीं, हमने तो उनको कहा था कि ठीक है आइए बात करिए, हमारे पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने लेटर भी लिखा था कि आइए बात करिए, मिलके बीजेपी को हराएंगे, लेकिन लगता है शायद इनको इंटरेस्ट नहीं था तो उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया। पर हम तो लड़ रहे, देखिए हमारी एक सियासत पार्टी है, गोटी खेलने के लिए तो पार्टी नहीं बनी है। सियासत, सियासत में चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, संविधान ने इजाज़त दिया है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है लोगों को, तो क्यों ना चुनाव लड़े हम, सब चुनाव में हिस्सा लेती है हमारी पार्टी। बहुत सारे मुद्दे हैं भिवंडी के, यहाँ की जो खस्ता हालत हम देख रहे थे इतने बरसों से, वो सारे मुद्दे आप तो आए ना, आप भी गाड़ी से आए, मैं भी गाड़ी से आया, मैंने देखा है क्या हालत है यहाँ पर, पानी के मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे। जब चुनाव के लिए हम प्रचार करने को निकलेंगे, सारे मुद्दे जो जनता के, लोगों के सामने रखेंगे और जनता जनार्दन है जिसके तरफ फैसला करेगी। भिवंडी के सचिव अमोल कामले वो बोलते कौन है एमआईएम, क्योंकि आप उन्होंने जो खाली गुड्डू के समर्थन में भरा, तो वो बोलते कि कौन है एमआईएम हम नहीं जानते, जबकि पार्टी के सचिव है, उनको पूछो ऐसा क्यों बोला। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज धनतेरस के मौके पर ये कहा कि राम मंदिर में 500 वर्ष के बाद पहली बार दिवाली मनाई जाएगी, अब वो हमारा हिंदू भाई भी जवाब देगा कि इतने साल से क्या बना रहे थे वो।